हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। हमारा चैप्टर थर्ड है संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वह संधि कहलाता है। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय, स्वर संधि। भानुधन उदय बराबर भानुदय, स्वर संधि। जगत धन ईश बराबर जगदीश, व्यंजन संधि। निधन आशा बराबर निराशा, विसर्ग संधि। संधि युक्त शब्दों या पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मतानुसार बराबर मत धन अनुसार, यहाँ पर अ धन अ मिलकर आ बनाए। दिग्गज बराबर दिक धन गज, यहाँ क और ग मिलकर आधा ग और ग बनाए। मनोभाव मना धन भाव, विसर्ग के पूर्व अ पर धन स्वर या संघोष व्यंजन आ बराबर मिलकर क्या बना ओ। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब हर्ष्व या दीर्घ अ ई ऊ के बाद क्रमशः हर्ष्व या दीर्घ अ ई ऊ आते हैं तो दोनों ध्वनियों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ में परिवर्तन हो जाती है। ये ध्वनियाँ हर्ष्व धन हर्ष्व, हर्ष्व धन दीर्घ, दीर्घ धन हर्ष्व, दीर्घ धन दीर्घ रूपों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मिल सकती है। जैसे पहला, यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में अ या आ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर आ हो जाता है। जैसे अ धन आ बराबर आ, देखिए उदाहरण दिया, समय धन अनुसार बराबर समयानुसार, आ धन अ बराबर आ, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी। दूसरा, यदि पहले शब्द के अंत में ई या बड़ी ई और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर बड़ी ई हो जाता है। जैसे ई धन ई बराबर, देखिए बड़ी ई हो गया, कवि धन इंद्र कवींद्र, बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी, मही धन इंद्र महेंद्र, मतलब कोई भी बड़ी ई छोटी ई या छोटी बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनते हैं। तीसरा, यदि पहले शब्द के अंत में छोटा हो या बड़ा हो और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटा हो या बड़ा हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, या छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बना। उसी तरह छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे वधू धन उल्लास बराबर वधुल्लास। चलिए अगला पढ़ते, गुण संधि, यदि अ या आ के बाद हर्ष्व या दीर्घ ई ऊ या री स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे पहला देखिए, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ए हो जाता है। जैसे अ धन ई बराबर ए, क्या बोला गया था, ए हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ए है। सुर धन इंद्र सुरेंद्र, रेंद्र रे ए मात्रा आ रहा है ना, सुरेंद्र। इसे आ धन ई बराबर ए, राजा धन इंद्र राजेंद्र। दूसरा, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ओ हो जाता है। जैसे अ धन ऊ बराबर ओ,
उदाहरण देखिए, परधन उपकार बराबर परोपकार, जैसे आधन छोटा ओ बराबर ओ, महाधन उदय महोदय मतलब अ या छोटा ओ, आ या बड़ा ओ छोटा ओ मिलकर ओ बनते हैं। तीसरा, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में री हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर अर हो जाता है, जैसे अधन री बराबर अर, देवधन ऋषि देवर्षि, आधन री बराबर अर, महाधन ऋषि महर्षि। अगला देखिए संधि, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए हो और तो दोनों मिलकर ए तथा ओ या औ हो जाते हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, जैसे पहला, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ए या ए हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ए हो जाता है, जैसे अ धन ए बराबर ए, एक धन एक बराबर एक एक, आ धन ए बराबर ए, सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ पर आ ए मिलकर ए या अ ए मिलके ए, सब ए बने। दूसरा, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ या औ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर औ हो जाता है, जैसे अ धन औ ओ बराबर औ, जैसे वन धन औषधि बराबर वन औषधि, आ धन औ बराबर औ, महाधन ओज बराबर महौज, मतलब छोटा और ओ या फिर बड़ा ओ मिलकर ओ बन जाता है। यण संधि, यदि ई बड़ी ई उ छोटा उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आता है आ जाए तो ई या ई का य, उ या उ का व तथा री का र हो जाता है और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, जैसे पहला, पहले शब्द के अंत में ई या ई हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो ई बड़ी ई बदलकर य हो जाता है और दूसरे शब्द के पहले स्वर का योग य के साथ हो जाता है, जैसे ई धन अ बराबर य, बोला है छोटी ई किस बात में मिलेगा अ तो य होगा, या फिर बड़ा भी मिलेगा या होगा, छोटा ऊ मिलेगा यू, बड़ा ऊ मिलेगा यू, ए मिलेगा ए। इसी तरह अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इति धन आदि इत्यादि, प्रति धन एक प्रत्येक, पढ़िएगा आप अच्छे से फिर से। दूसरा, पहले शब्द के अंत में ऊ या बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर कोई अन्य शब्द हो तो ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, जैसे ऊ धन आ बराबर वा। यहाँ पे बोला गया है अगर ऊ के साथ ऊ या छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जो भी हो उसके वो मिलकर वह हो जाता है, इसीलिए अ ऊ धन आ बराबर वा। तो सुधन आगत स्वागत, ऊ धन ए बराबर वे, अनुधन एषण अन्वेषण। नेक्स्ट, अयादि संधि, ए और ए और ओ औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय औ और आ हो जाता है, जैसे ए धन अ बराबर अय धन अ, चे धन अन बराबर चयन, अब लिखा है ना ओ धन अ बराबर अ, धन उसमें अ ऐड हो जाता तो वो धन अन बराबर हवन। इसी तरह और भी दिया, औ धन ई बराबर आव धन ई, नौ धन ई बराबर नावे। बच्चों, आप स्वर संधि के ये पांच भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, आप फिर से अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।